Hello everyone this is Ayush Sharma welcome back to my channel SR tuition lecture in last video as we start the new chapters of organic chemistry that is iupac nomenclature in this video we will continue the same chapter and today we will learn how to calculate how to find hybridization and how to count sigma and pi bond and today

है और हाइब्रिडाइजेशन जो होता है सो so, बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स क्या होता है तो जितना नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स होगा उतना ही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होगा क्या जितना नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स होगा उतना ही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होगा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है तो ए, एटम का वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ठीक है क्या एटम का वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बॉन्ड बनाने बॉन्ड नहीं बनाया वो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ठीक है अब अगर नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ़ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू अगर टू आता है तो हाइब्रिडाइजेशन एस होगा ठीक है अगर नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर अगर वैल्यू थ्री आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी होगा अगर वैल्यू फोर आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन एस होगा ओके अब हम लोग इसको कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ सी एच फोर इसको मीथेन बोलते हैं ये मीथेन का मोलिकुलर फार्मूला है और ये स्ट्रक्चर फार्मूला है तो मीथेन में हमको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स जो होगा वो वन टू थ्री फोर यानी कि इस कार्बन के पास फोर सिग्मा बॉन्ड्स होगा क्यों क्योंकि अभी अभी हम लोग जाने हैं कि जितना नंबर ऑफ़ सिंगल बॉन्ड्स होता है उतना ही नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सिंगल बॉन्ड्स फोर है इसलिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स भी कितने होंगे फोर होंगे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन के कितने हैं तो ज़ीरो हैं क्यों क्योंकि कार्बन के पास जो है सो फोर ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और फोर के फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सो यहाँ पर बॉन्ड यानी कि बना चुके हैं इसलिए यहाँ पे कार्बन का के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो जीरो होगा ठीक है तो है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा सो फोर प्लस जीरो इसका वैल्यू फोर आएगा यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री होगा ठीक है इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं जैसे कि यहाँ पे हमको दिया हुआ सी टू एस सिक्स इसको हम लोग बोलते हैं इथेन और इथेन का जो ये मोलिकुलर फार्मूला है C2H6 और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है ये ठीक है और इसमें हमको दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सबसे पहले हम लोग इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो इस कार्बन में नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं तो वन टू थ्री फोर फोर नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स हैं और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो हैं तो इसका वैल्यू जोड़ने पर आएगा फोर यानी कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा सो एस पी थ्री होगा अब इस कार्बन का अगर बात करें तो इस कार्बन का भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो है सो कितना है फोर है यानी कि वन टू थ्री फोर फोर जो है सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जीरो है यानी कि इसका भी हाइब्रिडेशन जो होगा सो एस पी थ्री ही होगा ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सी टू एच फोर सी टू एच फोर जो होता है इसको इथिन बोलते हैं ये इथिन का मोलिकुलर फार्मूला है और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पे है इसमें भी हमको दोनों कार्बन का जो है सो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है और इसको निकालने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड रहे या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड का लाएगा और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड का लाएगा अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एक सिग्मा बॉन्ड कल और दो पाई बॉन्ड कल इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है तो अगर हम इस कार्बन के हाइब्रिडेशन के बारे में बात करें तो इस कार्बन के पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं वन टू और एक यहाँ पे थ्री ओके okay, तो कार्बन के पास नंबर ऑफ़ सिग्मा बॉन्ड्स है थ्री और नंबर ऑफ़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जीरो क्यों क्योंकि यहाँ कार्बन के पास फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और फोर फोर के फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे सो यहाँ पर बॉन्ड ऑलरेडी बना रखा है इसलिए यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन का जो होगा सो जीरो होगा तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो एस होगा इसी तरह से अगर इस कार्बन का बात करें तो इस कार्बन के पास भी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स थ्री है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जीरो है तो इसका भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो एस थ्री ही होगा ओके अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो नेक्स्ट है हमको जो कि स्ट्रक्चर में दिया हुआ है और इसमें हमको तीन कार्बन दिख रहे हैं और तीनों कार्बन का हमको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है तो एक एक करके सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग फाइंड करते हैं जैसे कि अगर बात करें इस कार्बन के बारे में तो इस कार्बन को देख के ही पता चल रहा है कि इसमें चार सिगमा बॉन्ड है और जीरो लोन पे इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसमें फोर सिगमा बॉन्ड और जीरो लोन पे इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा इस कार्बन का बात करें तो इस कार्बन में जो है सो वन इधर सिग्मा बॉन्ड्स है और यहाँ थ्री बॉन्ड है यानी कि एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और दो बॉन्ड जो होगा सो पाई बॉन्ड का लाएगा तो इस कार्बन के पास जो है सो दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो एस होगा क्यों क्योंकि इसको जोड़ने पर टू आ रहा है और जब वैल्यू टू आता है तो हाइब्रिडाइजेशन एस होता है अब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं तो इस कार्बन के पास भी जो है सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एक वन इधर और वन इधर टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है और जीरो लोन पेयर है यानी कि इसका भी अगर जोड़ने पर वैल्यू टू आएगा तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन जो होगा सो एस होगा ओके अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर के बारे में तो इस स्ट्रक्चर में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है तो इसमें हमको कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का जो है सो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो अगर बात करें इस कार्बन के बारे में तो इस कार्बन के पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स वन टू थ्री फोर फोर है और नंबर ऑफ़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़ीरो है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा सो हो जाएगा एस इस ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो सिक्स होता है कितना होता है सिक्स होता है जिसमें से दो बॉन्ड जो है सो ऑक्सीजन ऑलरेडी बना रखा है ओके और यहाँ पे सिक्स में से दो बना रखे हैं तो फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो कि बॉन्ड नहीं बनाया है ठीक है तो यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितना हो जाएगा तो एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फोर इलेक्ट्रॉन है जो कि बॉन्ड नहीं बनाया है तो यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन यानी कि एक पेयर में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फोर इलेक्ट्रॉन यानी कि दो पे दो लोन पेयर होंगे तो इस ऑक्सीजन के पास टू सिग्मा बॉन्ड्स होगा और दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो इस ऑक्सीजन में दो सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इसका हाइब्रिड जोड़ने पर वैल्यू आएगा फोर यानी कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हो जाएगा एस होगा अब है नेक्स्ट हम लोग करते हैं इस स्ट्रक्चर में हमको कार्बन दो कार्बन का हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है अगर इस कार्बन का बात करें तो इसमें फोर सिग्मा बॉन्ड्स है फोर सिग्मा बॉन्ड से और जीरो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो एस पी थ्री होगा इस कार्बन का बात करें तो इस कार्बन में एक इधर सिग्मा बॉन्ड एक इधर सिग्मा बॉन्ड्स और एक इधर सिग्मा बॉन्ड्स यानी कि तीन सिग्मा बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो है तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने पर आएगा थ्री और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा इस कार्बन का वो होगा एसपी नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है डिग्री ऑफ़ कार्बन तो डिग्री ऑफ़ कार्बन क्या होता है तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि जिस भी कार्बन का हमको डिग्री निकालना है वो कार्बन जितने कार्बन से अटैचड होगा उतना ही उस कार्बन का डिग्री होगा क्या जिस कार्बन का हमको डिग्री निकालना है वो कार्बन जितने कार्बन से अटैचड होगा उतना ही डिग्री ऑफ़ कार्बन होगा ये बात हमेशा ध्यान में रखना है और डिग्री ऑफ़ कार्बन जो होते हैं वो फोर टाइप्स के होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं फोर टाइप्स के होते हैं पहला होता है प्राइमरी कार्बन दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन तीसरा होता है टर्सरी कार्बन चौथा होता है क्वार्टनरी कार्बन ठीक है और प्राइमरी कार्बन को वन डिग्री कार्बन भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं सेकेंडरी कार्बन को ए सी सी डॉट भी लिखते हैं और टू डिग्री भी लिखते हैं टर्सरी कार्बन को थ्री डिग्री भी लिखते हैं क्वार्टनरी कार्बन को फोर डिग्री भी लिखते हैं प्राइमरी कार्बन क्या होता है तो प्राइमरी कार्बन यानी कि जिस कार्बन का हमको डिग्री निकालना है वो कार्बन अगर वन कार्बन एटम से अटैच होगा तो डिग्री ऑफ कार्बन वन डिग्री कार्बन होगा यानी कि प्राइमरी कार्बन होगा जिस कार्बन का अगर डिग्री निकालना है वो कार्बन अगर टू कार्बन से अटैच होगा तो टू डिग्री कार्बन होगा अगर कार्बन थ्री डिग्री कार्बन से अटैच होगा तो टर्सरी कार्बन यानी कि थ्री डिग्री कार्बन होगा अगर फोर कार्बन से अटैच्ड होगा तो फोर डिग्री कार्बन होगा यानी कि क्वार्टनरी कार्बन होगा तो ये है कार्बन का टाइप्स जो कि हम लोग देख लिए कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है सेकेंडरी कार्बन क्या होता है टर्सरी कार्बन क्या होता है तो अब हम लोग को डिग्री ऑफ कार्बन निकालना रहेगा तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जैसे कि ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें हमको यहाँ पे कार्बन तीन दिख रहा है और तीनों कार्बन का हमको डिग्री फाइंड करना है तो कैसे डिग्री हम लोग पता करेंगे तो डिग्री कैसे पता करेंगे तो अभी हम लोग पढ़ें कि जिस कार्बन का भी हमको डिग्री निकालना है वो कार्बन जितने कार्बन से अटैच्ड होगा उतना ही उस कार्बन का डिग्री होगा ठीक है अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये कार्बन के बारे में तो ये कार्बन जो है सो एक ही कार्बन से अटैच है सिर्फ इस कार्बन से इसलिए इस कार्बन का जो डिग्री होगा वो वन होगा यानी कि ये वन डिग्री कार्बन होगा इस कार्बन का अगर हमको डिग्री पता करना है तो ये कार्बन जो है सो दो कार्बन इन्साइटाइट है एक इससे और एक इस से इसलिए ये टू डिग्री कार्बन होगा इस कार्बन की बात करें तो ये एक ही कार्बन कार्बनसाइटाइज है इसलिए ये वन डिग्री कार्बन होगा या वन डिग्री कार्बन बोलिए या फिर प्राइमरी कार्बन बोलिए यहाँ पे आप टू डिग्री कार्बन बोलिए या फिर सेकेंडरी कार्बन बोलिए यहाँ पे वन डिग्री बोलिए या फिर प्राइमरी बोलिए अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिग्री ऑफ़ हाइड्रोजन क्या होता है तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन होता है जिस भी हाइड्रोजन का हमको डिग्री निकालना है वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है जो उस कार्बन का डिग्री वही हाइड्रोजन का डिग्री क्या जिस भी हाइड्रोजन का हमको डिग्री निकालना है वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है जो उस कार्बन का डिग्री वही हाइड्रोजन का डिग्री होगा ठीक है यानी कि डिग्री ऑफ़ कार्बन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ हाइड्रोजन यानी कि जो कार्बन का डिग्री होगा वही हाइड्रोजन का डिग्री होगा ठीक है अब देखिए कुछ क्वेश्चन के थ्रू इसको करते हैं जैसे कि इस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे जितने हाइड्रोजन है का हमको डिग्री निकालना है ठीक है तो जैसे ये हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन का डिग्री हमको निकालना है तो ये हाइड्रोजन जो है सो इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन जो है सो एक ही कार्बन से अटैच है इसलिए ये कार्बन जो है सो वन डिग्री कार्बन होगा तो इस कार्बन का डिग्री कितना है वन तो इस हाइड्रोजन का भी डिग्री क्या हो जाएगा वन ही हो जाएगा ठीक है अब हमको इस कार्बन इस हाइड्रोजन का डिग्री निकालना है तो ये हाइड्रोजन जो है सो इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन जो है सो दो कार्बन से अटैच यानी कि इस कार्बन जो है सो ये दो डिग्री कार्बन है तो ये हाइड्रोजन भी टू डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा इस हाइड्रोजन का अगर डिग्री निकालना है तो ये हाइड्रोजन जो है सो इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन जो है सो एक ही कार्बन से अटैच है तो इसका वन डिग्री कार्बन होगा तो इसका हाइड्रोजन का भी डिग्री जो है सो वन डिग्री हाइड्रोजन होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जिसमें हमको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन निकालना है जैसे ये आपको दिख रहा है तो इसमें अगर हम इस हाइड्रोजन का डिग्री का अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन जो है सो एक ही कार्बन से अटैच इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन का जो है सो एक वन डिग्री कार्बन है क्यों क्योंकि ये कार्बन जो है सो एक ही कार्बन से अटैच है इस कार्बन से इसलिए ये वन डिग्री कार्बन है और जो इस कार्बन का डिग्री होगा वही इस हाइड्रोजन का डिग्री होगा तो ये हाइड्रोजन भी वन डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा अगर हम बात करें इस कार्बन के बारे में तो ये कार्बन जो है सो एक ही कार्बन से अटैच है इसलिए इस कार्बन का भी वन डिग्री होगा तो ये हाइड्रोजन का भी वन डिग्री हो जाएगा यानी कि वन डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा और अगर बात करें इस हाइड्रोजन के बारे में तो ये हाइड्रोजन जो है सो इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है इससे और इसलिए इस कार्बन का डिग्री जो है सो वन डिग्री होगा इसलिए हाँ, इस हाइड्रोजन का भी डिग्री कितना होगा वन डिग्री होगा तो आप लोग को बस इतना ही ध्यान में रखना है कि अगर हमको हाइड्रोजन का डिग्री जिस भी हाइड्रोजन का डिग्री निकालना है वो हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है जो उस कार्बन का डिग्री वही हाइड्रोजन का डिग्री ठीक है तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जो कि हम लोग का टॉपिक रहेगा डिग्री ऑफ अल्काइल हेलाइट और डिग्री ऑफ अल्कोहल